एक तस्वीर मध्य प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को देखने चाहिए जो बाकायदा चुनाव के पहले भी एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे थे सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक और अब भी एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल यह तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरों की जिनके बीच चुनाव में मुकाबला हतो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच। चुनाव के टाइम दो ही जनों के बीच जबरदस्त तूतू मैं भई आरोप प्रत्यारोप भय बात शब्दों की मर्यादाओं के परे भी पहुंची, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आ गए शिवराज जीत गए कमलनाथ हार गए सो कमलनाथ पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के घरे। चुनाव परिणाम आवे के अगले दिना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पुत्र और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ के संगे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान को जीत की बधाई दी। कमलनाथ के आवे की सूचना पर शिवराज घर के दरवाजे तक उनको ले भी आए और बोले कि आप तो हमेशा हमारे सम्मानी हैं। सुनो जरा का बोले शिवराज। आप हमेशा सम्मानी हैं। मैं नकुल को भी साथ ले आया हूँ। कमलनाथ भी बोले कि हम अपने मोड़ा नकुलनाथ को भी लुवा ले आए हैं आपसे मुलाकात करवे। और मुलाकात के बाद कमलनाथ बोले कि प्रदेश के विकास के लाने सरकार जो भी काम करे विपक्ष उके संग रहे। हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष से कोई अड़चन नहीं। दरअसल यह मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि एक बड़ो संदेश है उन लोगों के लाने जो राजनीति को दुश्मनी मान बैठत नेताओं के बीच शायद उतनी कटुता नहीं होत जितनी कार्यकर्ता पाल ले। सो भैया सब जने एक दूसरे से प्रेम सद्भाव से रहो, जो जीते सो जीते, जो हारे सो हारे, सब जने सद्भाव बनाओ बिल्कुल वैसे ही जैसो शिवराज ने बनाओ है और कमलनाथ ने बनाओ है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं तब ही पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।